everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. I'm Chaitra Patti and in today's video I will be sharing my organic haul. And guys, मैंने winter के इस बार इतने बढ़िया बढ़िया चीजें ली हैं, मतलब I cannot express how happy I am, क्योंकि items की qualities इतनी अच्छी है and मैंने उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से style किया था. So without wasting more time, let's begin the video. गाइज, तो मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी कि सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड मेरा एक कूपन कोड है जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा एंड मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, जिसको आप अप्लाई करोगे देन यू विल गेट 15% ऑफ. तो इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है, तो अब मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ. सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ मेरे पास 5 आइटम्स हैं एंड ये है वो लिस्ट. हाँ जी गाइज, तो अब मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ. सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ ना, मैंने 5-6 चीजें ऑर्डर करी थी ऑर्गेनिक से एंड मुझे रिसीव हो चुकी हैं. और गाइज ना, इस टाइम मेरा पता नहीं क्यों मन कर रहा है अंदर से बहुत ही कलरफुल कपड़े पहनने का. इस टाइम आप फीड पे भी देखोगे तो आपको बहुत सारे कलर्स दिखेंगे. तो मैंने ना एक बहुत ही ब्राइट पिंक कलर में, ये वाला आप कह सकते हो, सो इट इज अ हॉट पिंक ब्लेजर जिसमें आपको ना बेज एंड ग्रीन भी मिल जाएंगे एंड एक्सेस स्मॉल एंड मीडियम 3 आपको डिफरेंट साइज मिल जाएंगे. एंड दिस इज द ब्लेजर. ओ माई गॉड, दिस इज सो प्रिटी एंड द क्वालिटी इज अमेजिंग. मैं आपको पास से भी दिखा दे रही हूँ. कुछ ऐसा इसका ऊपर का फैब्रिक का हल्का सा रफ सा टेक्स्चर दिया है एंड इसमें आपको फ्रंट में कॉलर मिल जाते हैं एंड यहाँ स्लीव्स में ना आपको ऐसे गोल्ड वाली बटन्स की डिटेलिंग मिल जाती है. फ्रंट आपको दोनों साइड में ना पॉकेट्स भी मिल जाती हैं या सिर्फ फ्लैप, बहुत ही बड़ी बड़ी सी पॉकेट्स हैं एंड अंदर ना आपको लाइन कुछ ऐसी सैटिनी शाइन में बहुत ही अच्छी से, इसकी फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी है एंड द फैब्रिक इज पॉलिएस्टर जो कि इसमें मेंशन है. बट दिस इज सो प्रिटी एंड आपने इस ब्लेजर को आपने ऑफिस में पहन सकते हो एंड आप इसको ना कैजुअल भी पहन सकते हो, जैसे मैंने आपको पहन के दिखाया है विद जीन्स एंड वाइट टॉप, तो आप इसको बहुत तरीके से स्टाइल कर सकते हो. एंड गाइस, सेकेंड जो पीस है वो है एक बटन क्लासिक ब्लेजर जिसका मैंने ना ये वाला कलर लिया है लाइक, बट इसमें आपको एक खाकी कलर मिल जाएगा, एक पिंक का ये वाला पिंक आपको मिलेगा थोड़ा सा वाइन शेड में एंड एक आपको ब्लू के साथ ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा. सो दिस इज द ब्लेजर. दिस इज हाउ इट लुक्स. इट इज अ वेरी स्टाइलिश एंड शीक क्रॉप ब्लेजर जो ब्लैक एंड व्हाइट में मैंने लिया है एंड पूरे में ना प्लेट वाला आपको प्रिंट मिल जाता है एंड इसका भी ऊपर से आप मटेरियल देख सकते हो, पास में आपको दिखा दे रही हूँ. अंदर सैटिनी पूरा एक लाइनिंग लगी हुई है एंड फ्रंट में आपको जो कॉलर मिल जाता है ना उसके नीचे आपको यहाँ पर 2 गोल्ड बटन्स मिल जाते हैं, ऐसे कुछ डिजाइन वाले 2 गोल्ड बटन्स हैं. इसमें अंदर ब्लैक भी लगा हुआ है कलर. एंड गाइज, सबसे अच्छी मुझे इसकी बात क्या लगी ना, इसकी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है एंड ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लगता है. एंड इसका ना जो फैब्रिक है दिस नॉट स्ट्रेचेबल एंड इसका भी जो मटेरियल है वो पॉलिएस्टर यूज किया गया है एंड इसको आप कैजुअली या ऑफिस में भी पहन सकते हो. सो इट्स अपॉन यू कि आप इसको कैसे स्टाइल करते हो. मैंने वाले ऑर्गेनिक हॉल में भी ना मैंने आपको एक शैकेट दिखाई थी, अगर आपने नहीं चेकआउट किया तो आप चेकआउट कर सकते हो. तो इस वाले वीडियो में मैं आपको एक शैकेट दिखाऊंगी, वो वाली थोड़ी फ्लफी थी बट ये वाली थोड़ी सी पेड में ही है बट काफी उससे हल्का मटेरियल है, उससे थोड़ा सा हल्का मटेरियल है एंड दिस इज इन ब्यूटिफुल ग्रीन कलर. आप पूरा देख सकते हो ना प्लेट वाला, इसमें आपको प्रिंट मिल जाएगा एंड इसमें ब्राउन व्हाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन दैट इज सो सॉफ्ट एंड बहुत ही प्यारी है. ये तो पहनने के बाद बहुत स्मार्ट भी लगते हो एंड इसका जो फिट आता है वो बहुत ही लूज एंड मतलब कूल सा लगता है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. मटेरियल स्ट्रेचेबल नहीं है, पॉलिस्टर ही है बट ये वॉर्म रखता है आपको एंड दिस इज द लेंथ. और आपको यहाँ पर कफ्स में नॉर्मल जैसे शर्ट में ना ऐसे बटन वाला मिल जाता है वैसे ही मिल जाता है एंड एक ही कलर मिलता है जो मैंने आपको दिखाया है. इसमें स्मॉल मीडियम लार्ज एंड एक्सेल आपको 4 साइज मिल जाएंगे एंड इसका जो शोल्डर है ना थोड़ा सा ड्रॉप आता है. मैंने इस वाली ड्रेस के साथ विच इज ऑल्सो फ्रॉम ऑर्गेनिक इसमें क्या था, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा ना ऐसे स्टमक खुला हुआ है तो इसके साथ मैंने इसको स्टाइल किया था विच वॉज लुकिंग रियली नाइस. अच्छा, एक चीज बताना भूल गई ना मैं आपको, यहाँ पर ना आपको दोनों साइड पे बड़ी बड़ी सी पॉकेट्स मिल जाती हैं एंड फ्रंट में ना पूरा बटन अप वाला आपको ऐसा वो मिल जाता है जिससे आप इसको बटन बंद कर लो तो ये बंद हो जाती है. नॉर्मल शर्ट जैसी होती है वैसी है बट ये आपको थोड़ी सी वार्म रखती है, हल्की ठंडी में पहनने के बहुत काम आती है. आराम से आप इसको कॉलेज पहन जा सकते हो, कॉफी डेट पे जा रहे हो तो आप इसको पहन जा सकते हो, शॉपिंग करने जा रहे हो इसको आप ड्रेस के ऊपर पहन सकते हो, आप इसको स्कर्ट्स के ऊपर पहन सकते हो, क्रॉप टॉप के ऊपर पहन सकते हो. मतलब बहुत तरीके हैं यार स्टाइलिंग करने के बट दिस इज अ वेरी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट. मतलब ठंडियों में ऐसी चीजें होनी
भी बहुत जरूरी है एंड ये बहुत स्मार्ट लगती है। इसके बाद ना ऑर्गेनिक में भी बहुत सारे बैग्स आ गए, बड़े कूल कूल से बैग हैं, तो मैंने एक बैग भी लिया है, सॉलिड बॉक्स क्रॉस बॉडी बैग, जो कि बहुत काम के होता है। इसमें बेज, रोज, रेड, व्हाइट, ब्लैक कलर मिल जाएगा, मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक है। मैंने ब्लैक वाला लिया क्योंकि ऑलमोस्ट सारे आउटफिट के साथ जाते हैं एंड दिस इज अ परफेक्ट बैग जो कि सॉलिड में, और तीन चीजें सॉलिड्स में नहीं है, बाकी दो चीजें आपको प्लेट वाले में मिल जाएंगी। सो दिस इज द बैग एंड मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में। एक ही साइज है इसका, थोड़ा सा मुझे छोटू लग रहा था। इसमें आपको यहाँ पर ये इसकी स्ट्रैप है एंड इसमें आपको छोटू सा अटैचमेंट मिल जाता है एंड दिस इज हाउ इट ओपन्स। एंड यहाँ पे ना अंदर मैंने ये इसको फुलाने के लिए भर रखा था। इसमें ना हार्डवेयर काफ़ी अच्छे यूज़ करे हुए हैं इन्होंने एंड इसको ना आप रिमूव भी कर सकते हो, यहाँ से ये हट भी जाता है, छोटू सा है। इसमें आपको कुछ रखना वखना है तो आप रख सकते हो, बट ये कूल बहुत ज़्यादा लगता है। एंड ये भी स्ट्रैप, ये जो बेल्ट है ना इसकी, ये भी हट जाती है, आपने कोई और लगानी तो आप लगा सकते हो। सिल्वर एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। अंदर आपको ये कंपार्टमेंट मिल जाता है, दिस इज द मेन कंपार्टमेंट एंड यहाँ पर आपको एक जिपर वाला और कंपार्टमेंट मिल जाता है। तो साइज इज परफेक्ट, अगर थोड़ा सा और बड़ा कर देते तब भी कोई घाटा नहीं था, बट काफ़ी प्यारा बैग है एंड इनके पास अदर और भी डिज़ाइन है तो आप चेकआउट कर सकते हो। अगर मैं आगे परचेज करूंगी तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर। सो चलो जी, अब मैं आपको दिखा देती हूँ लास्ट आइटम ऑफ दिस हॉल एंड गाइस इतना वेट करना वर्थ था क्योंकि ये बहुत ही प्यारा पीस है। दिस इज अ पॉकेट डफल कोट एंड इसमें आपको ना एप्रिकॉट, जो कि मेरे इस कोट का कलर है, यही एक मिलेगा एंड इसमें अभी स्मॉल एक्सेस से आपको एक्सेल तक सारे साइज मिल जाएंगे। एंड आपको मैं बता देती हूँ कुछ ऐसा है एंड इसके साथ ना आपको एक बेल्ट मिल जाती है, जो कि मैंने स्टाइलिंग के टाइम नहीं लगाई थी, बट इसके साथ एक बेल्ट भी मिल जाती है एंड दिस इज रियली गुड। काफ़ी लाइट वेट है, बहुत हैवी नहीं है, बट आपको ये वॉर्म रखेगा ठंडियों में। आपको ना काफ़ी चीज़ें पहननी पड़ेंगी, लेयरिंग करनी पड़ेंगी, बट ये बहुत ही प्यारा पीस है। दिस इज हाउ इट लुक्स। इसका कॉलर कुछ ऐसा है, ठीक है, एंड इसमें फुल स्लीव्स हैं जो कि आपको दिख रही होगी। यहाँ पर बेल्ट लगाने के लिए ना ऐसा अटैचमेंट दे रखा है वेस्ट के पास। एंड गाइस दिस इज द लॉन्ग कोट, मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं है एंड इसका मटेरियल भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है एंड या मेरे लिए तो ये बहुत ही एक अच्छा परफेक्ट विंटर पीस है। गाइस दैट इज इट फॉर टुडे एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। आपको सारे लिंक्स ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल, वहाँ में बहुत सारी रील्स डालती रहती हैं एंड स्टाइलिंग के आपको ना बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगी वहाँ पे। ऑल्सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर हिट करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। मैं बहुत सारे शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ एंड मेरा कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा क्योंकि आपको 15% ऑफ मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, आई लव यू ऑल।